फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या कि सपोज हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं कि हमें दो नंबर में से फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, या सपोज हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर इवन है या ऑड। इट मींस वी वांट टू मेक सम डिसीजन। हमें अगर सपोज कर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, या हमें, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि कोई नंबर इवन है या ऑड या दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर, तब हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और डिसीजन कंट्रोल जो सी लैंग्वेज में होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, वो चार तरह की होती हैं: इफ, इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर एंड स्विच केस। ये चार तरह की डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं: इफ, इफ एल्स इफ लेटर एंड स्विच केस। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट। आइए देखिए इफ स्टेटमेंट हम सी प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट की बात करें। ये जो है इफ स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स है, क्लियर है? ये बेसिक सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का, और इस सिंटैक्स के बेस पे मैंने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करा है। होप सो आपको फ्लो चार्ट से इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इफ के अंदर ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये क्या है। जरा ध्यान दीजिए, सी लैंग्वेज में एक चीज हमेशा आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है और आउटपुट हमेशा वन आएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? बेसिकली ये टेस्ट एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहां पर हम कोई कंडीशन ले सकते हैं, सपोज करो ए ग्रेटर देन बी। मैंने टेस्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या कि यहां पर इफ के अंदर ये कंडीशन चेक होगी कि ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है? या फिर सपोज करिए कोई हमने कंडीशन यहां पर पास नहीं करी, ऐसा भी हो सकता है कि इफ के अंदर हम यहां वैल्यू लिख देते -4 to 7, यानी कि कोई नेगेटिव इंटीजर पास कर देते। तो हमें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज के अंदर नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका मतलब समझा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कंडीशन ट्रू है। यानी कि क्या कि अगर आपने कोई यहां पर कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी, तब तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू बड़ी है। लेकिन सपोज करो कि कोई कंडीशन नहीं गिवन है, कोई एक सर्टेन वैल्यू गिवन है नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है, कंडीशन इज ट्रू। अब आइए देखिए जरा इसका फ्लो कैसे चलता है। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या तो ये इवेल्युएट करेगा ट्रू या फॉल्स। भाई कोई भी कंडीशन है या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, है ना? अगर हमने इफ के अंदर लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है या ए की वैल्यू बी से छोटी है। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू है, और ए की वैल्यू अगर बी से छोटी है तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है? अब देखिए, सपोज करो ये कंडीशन ट्रू, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, हम सारी पॉसिबिलिटीज कवर करके चलेंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आएगा और स्टेटमेंट 1 to n, यानी कि इफ की बॉडी के अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको सिक्वेंशियली 1 by 1 एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट 1 to n सिक्वेंशियली 1 by 1 हो जाएगी एग्जीक्यूट। जब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा स्टेटमेंट एक्स पे। कहाँ जाएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, स्टेटमेंट एक्स पे। तो ये पॉसिबिलिटी मैंने क्या कवर करी, जब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल अंदर आया, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करी, उसके बाद कंट्रोल चला गया इफ की बॉडी के बाहर, यानी कि स्टेटमेंट एक्स पे, क्लियर है? अब दूसरा केस मान लीजिए, जो कंडीशन यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इनिशियली ट्रू ना होके इवेल्युएट करता फॉल्स, यानी कंडीशन क्या होती, फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इफ की बॉडी के बाहर जाएगा सीधा स्टेटमेंट एक्स पे, प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर नहीं आएगा।
अगर कंडीशन फॉल्स होती तो प्रोग्राम का कंट्रोल जाता स्टेटमेंट एक्स पे, यानी कि स्टेटमेंट एक्स विल बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट एक्स वो स्टेटमेंट है जो इफ के ब्लॉक के बाहर है। अब इस फ्लो ऑफ कंट्रोल की मदद से मैंने इफ एल्स इफ का फ्लो चार्ट ड्रॉ करा। फ्लो चार्ट कैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा टेस्ट एक्सप्रेशन। आपको पता है फ्लो चार्ट ड्रॉ करते टाइम जब भी हम कोई कंडीशन चेक करते हैं उस कंडीशन को हम लिखते हैं डिसीजन बॉक्स में। तो टेस्ट एक्सप्रेशन को मैंने किस में लिख दिया, डिसीजन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको चेक करा, अगर सपोज करो ये कंडीशन ट्रू है, क्या है ये कंडीशन ट्रू, तो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ गया था, इफ की बॉडी के अंदर। यानी क्या, इफ कंडीशन इज ट्रू तो उसके बाद स्टेटमेंट 1 to n को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो एरो गया स्टेटमेंट 1 पे, स्टेटमेंट 1 to n विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इफ की बॉडी हो गई एग्जीक्यूट, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जा रहा था, स्टेटमेंट एक्स पे, यानी कि 1 to n के बाद स्टेटमेंट एक्स पे कंट्रोल गया, सही है। तो ये जो केस है वो कौन सा है, जब कंडीशन ये ट्रू है। अगर इनिशियली ये कंडीशन इवेल्यूएट करती फॉल्स, यानी कि यहाँ पर इसका आउटकम क्या था, फॉल्स, तो कंट्रोल सीधा इफ की बॉडी के बाहर जाता, यानी कि स्टेटमेंट एक्स पे। तो इसलिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है यहाँ पर, तो मैंने देखिए ज़रा यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रखा है किससे, सीधा स्टेटमेंट एक्स से। यानी कि इस अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कंट्रोल सीधा स्टेटमेंट एक्स पे जाता, जो इफ की बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इफ का, इसको हम अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम पे। मान लीजिए हमें 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, और जो 3 नंबर्स हैं दे आर इंटीजर्स। तो मैंने क्या करा, ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर, क्लियर है। अब इसमें क्या करा हमने इसमें 4 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल तो लेने ही पड़ते हैं, आपको पता है ए बी और सी, क्योंकि आपको 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके अलावा मैंने एक 4th वेरिएबल लिया मैक्स। जो मैंने लॉजिक बनाया इस प्रॉब्लम के लिए, जो मैंने लॉजिक लगाया वो ये है कि तीनों में से जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैं रिसीव कर लूँगा किसमें, मैक्स में, किसमें रिसीव कर लूँगा, मैक्स में, और मैक्स की वैल्यू मैं प्रिंट कर लूँगा, मैक्स के अंदर मैं लार्जेस्ट वैल्यू रिसीव कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा आपने क्या करा, सबसे पहले प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा आएगा एंटर 3 नंबर, जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर है। जब आपने यहाँ 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे ए बी और सी, यानी कि एक लोकेशन ए के नाम पे क्रिएट हुई, एक लोकेशन बी के नाम पे क्रिएट हुई, और एक लोकेशन सी के नाम पे क्रिएट हुई। यहाँ मान लीजिए एड्रेस 1200, यहाँ मान लीजिए 1400, यहाँ 1500, और एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा मैक्स, तो एक लोकेशन मैक्स के नाम के क्रिएट हुई और मैक्स का एड्रेस मान लीजिए 1600 है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, तो आपने सबसे पहले क्या करा, ए बी और सी इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो इनकी वैल्यू आपने सबसे पहले यूज़र से इनपुट कराई, और यूज़र से इनपुट कराने के लिए फंक्शन क्या यूज़ करा, स्कैनएफ। तो स्कैनएफ में आपने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करे, परसेंटाइल डी, और 3 वेरिएबल की वैल्यू आपने इनपुट कराई। अब मैंने क्या करा, मान लीजिए ए बी और सी की वैल्यू जो आपने इनपुट कराई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू इनपुट कराई 7 और बी की वैल्यू मैंने इनपुट कराई 5 और सी की वैल्यू 12। यानी कि देखिए जो वैल्यू मैंने सपोज करो, इनपुट का मतलब हम इनपुट कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन लॉजिक बनाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 7 इनपुट कराई, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 12। अब देखते हैं इस पर यह सेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक। मैक्स के अंदर मैंने इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू इनिशियली स्टोर करा ली, यानी कि ए की वैल्यू जब मैंने मैक्स में स्टोर कराई तो ए की मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, होगी 7। मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7। और फिर मैंने क्या करा, इफ चलाया यहाँ पर, इफ का कॉन्सेप्ट लगाया, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, मैंने सेकेंड वैल्यू को मैक्स की वैल्यू से कंपेयर करा, यानी कि बी की वैल्यू को मैंने मैक्स की वैल्यू से कंपेयर करा। अगर ये कंडीशन होती ट्रू तो हम, इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि b मैक्स से बड़ा है, यानी कि मैक्स के अंदर हम क्या असाइन कर देंगे, b। तो देखिए ज़रा b की वैल्यू कितनी थी, 5, और जो मैक्स की वैल्यू आपने इनिशियली जो असाइन करी है वो कितनी है, 7, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई,
भाई 5 जो है वो 7 से तो छोटा है, बड़ा थोड़ी है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैंने अभी आपको बताया इस कॉन्सेप्ट से, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर इसके ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा कंट्रोल? कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट में। क्लियर है? अब नेक्स्ट को चेक करेंगे हम। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 12 है और मैक्स की वैल्यू कितनी है? 7। क्यों मैक्स की वैल्यू 7 क्यों है? मैक्स की वैल्यू 7 इसलिए है, जब पहले वाले ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं गया था तो मैक्स की वैल्यू बी पे सेट नहीं हो पाई थी, तो मैक्स की पुरानी वाली वैल्यू कितनी बनी रही? 7। लेकिन इस केस में क्या हुआ? 12 ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आया और मैक्स के अंदर क्या असाइन कर दिया? सी। यानी कि मैक्स की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी हमने? 12। क्लियर है? अब इसके बाद जो है, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, कंट्रोल इसके बाहर आया, अब देखिए जरा फाइनली जब ये इतना कोड यहां से लेकर यहां तक, इसको जब हमने रीड आउट करा तो साफ दिखाई दे रहा है कि मैक्स के अंदर क्या रिसीव हो गया? 12। अब मुझे बताइए जरा कि 7, 5 और 12 जो तीन वेरिएबल की वैल्यू आपने इनपुट कराई थी, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 12। वो हमने किसके अंदर रिसीव कर ली? मैक्स के अंदर। तो फाइनली जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? 12। ठीक है? अच्छा, इस प्रोग्राम में आप एक चीज़ और नोट करिए कि मैंने मेन से, ये तो प्रोग्राम तो हो गया फिनिश, हमें इफ का कॉन्सेप्ट आ गया, ये प्रोग्राम भी आ गया, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोट करी सबने कि मेन से पहले मैंने यहाँ पर लगा रखा है इंट इस बार। ठीक है? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? देखिए, अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम करवाए आपको, ठीक, उसमें सबसे पहले मेन से पहले मैंने यहाँ पर void यूज़ करा है, लेकिन void जो है वो कुछ कंपाइलर पे चलता है और कुछ कंपाइलर पे नहीं चलता। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, ANSI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्लियर है, उन्होंने साफ साफ किया है कि आप मेन से पहले इंट लगाइए और यहाँ पर एंड में लिखिए रिटर्न 0। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोग्राम है, यानी कि ये जो फंक्शन है मेन, दिस फंक्शन ना, ये मेन फंक्शन एक्चुअली में इसे हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, OS। इस फंक्शन को हमेशा क्या करता है? OS कॉल करता है। भाई अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो इसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। भाई इस प्रोग्राम को क्या चाहिए? ये लोकेशंस, क्लियर है? इसको क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस इनपुट कराने के लिए, आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिलीवर करने के लिए। तो वो रिसोर्सेज इस प्रोग्राम को कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो असल में क्या है कि ये कहा जाता है कि मेन फंक्शन एंड में रिटर्न 0 करता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये बताने के लिए कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और जो रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रोग्राम को एलोकेट कर रखे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट कर दे। क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम अपना रिटर्न स्टेटस OS को पास नहीं करेगा, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्सेज उसने इस प्रोग्राम को दिए हैं वो फ्री नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसलिए एक जनरलाइज स्टैंडर्ड है कि मेन से पहले हम हमेशा इंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हर कंपाइलर पर रन करता है। void किसी कंपाइलर पर रन करता है, मान लीजिए टर्बोसी का कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ रन कर जाएगा। हो सकता है कि void दूसरे कंपाइलर पर रन ना करें, तो दिस इज अ जनरलाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद करें आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।